12th में RBC chapter number 13 vector initial each. इसमें example number first है. A vector equals to i cap minus 2 j cap plus k cap. B vector दे रखा minus 2 i cap plus 4 j cap plus 3 k cap. और C vector दे रखा i cap minus 6 j cap minus 7 k cap. अब इनका मेरे को sum find करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मुझे find करना है इसमें A vector प्लस बी वेक्टर और प्लस सी. अब इसके लिए इनकी पहले वैल्यू लिख लो. आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप. और इसके बाद में बी वेक्टर है उसको यहां पर लिख लेंगे. यदि माइनस में तो माइनस का टू आई कैप एडिटिव जी को लिख देंगे. वो जे कैप प्लस थ्री के कैप. इसी तरह से सी वेक्टर है उसको भी लिखते हैं i cap minus 6 j cap minus 7 k cap. अब आप इसमें i cap को पास पास लिखें. ये i cap minus का 2 i cap. इसी तरह से ये plus का i cap. j cap यहां से minus का 2 j cap plus का 4 j cap and minus का 6 j cap. Similarly k cap लिखें यहां पर. ये k कैप यहां से प्लस का 3 k कैप एंड माइनस का 7 k कैप. अब इसमें देखो इन तीनों में से i कैप कॉमन ले लें तो यहां पर बचाएगा 1 माइनस 2 और ये प्लस 1 ये i कैप. इन तीनों में से j कैप कॉमन ले लें तो माइनस 2 प्लस 4 और ये माइनस 6. इन तीनों में से k कैप कॉमन ले लें तो 1 प्लस 3 एंड माइनस 7 एंड k कैप. कहने का मतलब ये i कैप को i कैप में, j कैप को j कैप में और k कैप को k कैप में ऐड किया जाता है. अब आप इसमें देखो ये 1 और 2 और ये माइनस 2 कितने हो गए? 0 हो गए. 0 into i कैप. इसी तरह से प्लस का 4 है और माइनस का ये 8 हो गया तो माइनस का 4 आ जाएगा. माइनस का 4 j कैप एंड वहां पर देखो 4 और माइनस का 7 है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 k कैप. ये इसका फाइनल आंसर है. अब 0 into i cap नहीं भी लिखो तो ठीक है तो इसको लिख सकता है 4 j cap minus 3 k cap. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. बस i cap को i cap में, j cap को j cap में और k cap को k cap में ऐड. ये वेक्टर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसको एग्जांपल फर्स्ट से मैंने वापस लिया है तो उसको अगर बहुत अच्छे ढंग से इसको डील करें और समझें और उसके बाद स्टेप टू स्टेप एग्जांपल फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो उसको सारे अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे. ये एग्जांपल जिस एक्सरसाइज से पहले के सारे एग्जांपल हो जाए उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें और पूरी एक्सरसाइज को कम से कम दो बार जरूर सॉल्व करें तो आपके पूरे डेटास के क्लियर हो जाएंगे. एग्जाम्पल नंबर 2 में दो वेक्टर दे रखे हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है? इक्वल है. मींस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर. इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती है ना वो हमेशा इक्वल होगी. लिख लो इसको एक्स आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 2i cap plus yj cap plus ये k cap. अब corresponding values का मतलब क्या होता है कि भी ये लाया कहाँ से? ये question में given है a vector is equal to b vector. दोनों जो सदिश है आपस में equal है तो अब इसमें i cap का coefficient कितना x हो गया. यहाँ पर i cap का coefficient कितना है 2 है तो s equal to 2 हो जाएगा. इसी तरह से j cap और j cap compare कर दो. इसी तरह से z compare कर दो. ये इसका आंसर होता है एक्स वाई जेड. इजी क्वेश्चन है बस कंसेप्ट का ध्यान रखना. एग्जांपल नंबर 3 के अंदर दो बातें बतानी है कि क्या ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है और क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है. तो पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो. रूट लगाओ इसका कोफिशिएंट कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर. जे कैप कोफिशिएंट का मतलब होता है इसके मल्टीप्ल में कितना लिखा हो. ये 2 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया कितना आया रूट 5. इसी तरह से इसमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं परिमाण.
I का कोफिशिएंट दिया है 2 का स्क्वायर, यहां पर ये 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और ये प्लस 1 ये हो गया 5। तो दोनों से क्या रिजल्ट मिल रहा है कि भाई a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड परिमाण b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बट दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। दोनों वेक्टर क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके i का कोफिशिएंट और यहां पर i का कोफिशिएंट डिफरेंट है। देखो आप यहां 1 है, यहां पर 2 है, इसलिए मैं कह सकता हूं a वेक्टर और b वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। ध्यान रखें दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण वो समान है। अच्छा क्वेश्चन है, कांसेप्ट से उस कांसेप्ट का ध्यान रखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में देखो a वेक्टर दे रखा है और इसके अनुदिश मात्रक सदिश यानी इकाई सदिश या यूं कह सकते हैं यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है। तो उसको बोलते हैं a कैप, यूनिट वेक्टर कह दो, मात्रक सदिश कह दो, इकाई सदिश कह दो। तो किसी भी सदिश के अंदर इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करें तो हमेशा उसी दिशा के अंदर यूनिट वेक्टर आता है। तो ये वेक्टर की वैल्यू ये रही 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। रूट लगा दो, इसका कोफिशिएंट इज 2 है, उसका स्क्वायर लगा दो, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। रूट के अंदर ये 2 का स्क्वायर 4 9 और ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया रूट 14। सब के साथ तो रूट 14 i कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 j कैप प्लस 1 अपॉन रूट 14 k कैप। एग्जांपल 5 में देखो a वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस 2 j कैप, एक नया वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 और इसी डायरेक्शन में हो। ऐसे कंडीशन के अंदर उसका कोई नाम दे दो नए वेक्टर का, तो खुद x वेक्टर कह दो उसको। कितना मैग्नीट्यूड चाहिए, 7 यूनिट चाहिए और डायरेक्शन किसकी चाहिए, इसकी चाहिए ना, तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जिसकी डायरेक्शन चाहिए होता है उसके यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश से हम आपको मल्टीप्लाई करना होता है। 7 ये मात्रक सदिश का मतलब होता है उस सदिश के अंदर उसके परिमाण का भाग देने पर ये मात्रक सदिश प्राप्त होता है। अभी 7 तो पढ़ा ही है और यहाँ पर a वेक्टर i कैप माइनस 2 j कैप और इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 7 i कैप माइनस 2 j कैप अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 4, 7 अपॉन रूट 5 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 7 अपॉन रूट 5 i कैप माइनस 7 2 का कितना हो गया 14 अपॉन रूट 5 और ये j कैप, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बस ठीक है, स्टेप टू स्टेप चलते रहे। एग्जांपल 6 में a वेक्टर और b वेक्टर दोनों दे रखे हैं और दोनों के सम यानी दोनों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश चाहिए। तो एक ऐसा सदिश लेते हैं उसका नाम c वेक्टर दे देते हैं जो दोनों के योगफल को रिप्रेजेंट करता है, यानी a प्लस b को रिप्रेजेंट करता है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर दोनों को यहां सीधे ऐड कर दो, i कैप को i कैप में करते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिख के करो भले इसे सीधा डायरेक्ट भी ओरली भी कर सकते हैं। इन दोनों को करेंगे तो 2 और ये 1 3 हो जाएगा, प्लस का 3 j कैप और यहां पर देखो माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, तो ये माइनस का यहां आ जाएगा 2 और ये k कैप। अब इसकी दिशा में यानी इसी के अनुदिश आपको क्या चाहिए, एक मात्रक सदिश चाहिए। तो उसको यानी कि मेरे को a क्या c क्या चाहिए, यानी दोनों योगफल के अनुदिश, योगफल सदिश को आप c वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो c क्या चाहिए। इसका मतलब c वेक्टर के अंदर इसके मैग्नीट्यूड का आप डिवाइड कर दो, और आएगा क्या हमारे पास में ये 4i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस 2 कैप कैप, ये दोनों का योगफल था और इसके मैग्नीट्यूड यानी इसके कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9 और इसका माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ये प्लस 4। फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा कि 20 और रूट 29, तो सबके साथ लिखो 4 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे कैप माइनस 2 अपॉन रूट 29
और ये के क्या है, ये इसका आंसर होगा। अभी एग्जांपल नंबर 7, P पॉइंट है 0, 2, 3, 0 और Q पॉइंट है -1, -2, -4। इसे PQ की दिशा में मेरे को सदिश चाहिए, तो इसके लिए दो बिंदु जब दे रखे होते हैं ना और PQ वेक्टर निकालना होता है, तो आप याद रखो इसके अंदर हम कर सकते हैं x2 - x1 i cap और plus y2 - y1 j cap plus z2 - z1 k cap। ये इसको कह देंगे x1, इसको y1 और इसको z1, इसको कह देंगे x2 y2 एंड इसको कह देंगे z2। अब आप इसमें देखो x2 - x1 यानी कि यहाँ -1 और ये -2 का प्लस, ये -2 और यहाँ से आ जाएगा 3, ये माइनस तो ऑलरेडी है ही, प्लस z2 मेरे पास है -4, माइनस z1 है 0, जो वैल्यू है लिखते हैं इसके अंदर। अब उसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस का 3 i कैप और ये माइनस का 5 j कैप एंड माइनस का 4 k कैप। तो दो पॉइंट अगर दे रखे हैं तो इस तरह से P से Q की दिशा के अंदर ये सदिश मेरे को प्राप्त हो। एग्जाम्पल नंबर 8 में इसमें P और Q दो बिंदु हैं, उनके स्थिति सदिश दिए गए हैं और एक ऐसे बिंदु के का स्थिति सदिश ज्ञात करना है जो उसको अंतर विभाजित करता है और एक ऐसे बिंदु के स्थिति सदिश भी ज्ञात करना है जिसको बाह्य विभाजित करता है। तो फर्स्ट में तो है हमारे पास में अंतः विभाजन, अंतर विभाजन यानी कि इंटरनली डिवीजन। इस केस में अगर आपके पास में यहाँ P है और ये Q है और ये हमारे पास R है और M रेशियो N के अंदर अगर डिवाइड करता है तो R का स्थिति सदिश OR वेक्टर इक्वल्स टू M के साथ आएगा इसका स्थिति सदिश यानी OQ वेक्टर और M के साथ आएगा इधर से दैट इज OP वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। अब हमारे पास में एम की वैल्यू यहाँ 2:1 बोल रखा है ना कि 2:1 के अंदर ही डिवीजन हो रहा है, तो एम की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ रही है, ओ क्यू वेक्टर हो रहा है मेरे पास में ऑलरेडी गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी तरह से एम की वैल्यू 1 है और ओ पी मेरे पास ये रहा 3 ए वेक्टर, जो भी वैल्यू दे रखे उसको लिख दें बस अपॉन 2+1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें ये तो हो जाएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और 1 से करेंगे 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 2a वेक्टर और प्लस 3a वेक्टर, ये हो गया 5 अपॉन 3 है इसके अंदर a वेक्टर। इसी तरह से 2b वेक्टर और 2b वेक्टर कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0/3 0 होता है तो 5/3 वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। ये किसका स्थिति सदिश है, ये उस बिंदु का स्थिति सदिश है जो कि पी क्यू को 2:1 के अंदर अंतर विभाजन यानी इंटरनल डिवीजन करता है। अब अगर बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन तो इस बाह्य विभाजन बिंदु के अगर स्थिति सदिश याद करना है यानी कि एक्सटर्नली डिवीजन, इस केस के अंदर जहां इसने प्लस किया था ना वहां माइनस है, सपोज वही आर बिंदु है तो बाहर की तरफ है तो जहां प्लस था वहां माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास एम और ओ क्यू सदिश माइनस एन ओ पी सदिश अपॉन एम माइनस एन हो जाएगा। अब एम की वैल्यू वही 2 दे रखी है और ओ क्यू हमारे पास उतना ही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस एन की वैल्यू 1 है, ओपी हमारे पास में है 3 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर अपॉन 2-1 क्योंकि डिवीजन देता था 2:1 का। अब आप इसमें देखो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर,
ये माइनस का 3a वेक्टर और माइनस माइनस प्लस 2b वेक्टर और ये अपॉन 1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस का a वेक्टर हो जाएगा और ये प्लस का 4b वेक्टर हो जाएगा। ये उस पॉइंट का स्पेसिफिसिटी होगा जो PQ को 2:1 के अंदर बाहर विभाजित करता है। एग्जांपल 9 में ए बी और सी तीन त्रिभुज के शीर्ष है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसके लिए सबसे पहले इनकी साइड्स को फाइंड करेंगे, तो वेक्टर मेथड से करना है। इसकी सबसे पहले साइड फाइंड करें ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब हो गया, ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो। ए बी वेक्टर है ना, ये वेक्टर बी के ऊपर देखो तीर का निशान है, ए के ऊपर तीर का निशान नहीं है, तो इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। तो वैसे याद रखो हेड माइनस टेल किया जाता है। हेड कौन है? बी है ना, तो बी का पोजिशन वैक्टर यानी स्थिति सदिश। ओ बी वैक्टर आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा ओ बी वैक्टर, इस तरह से लिखेंगे। अब हम लाएंगे कहां से इनको? ओ बी वैक्टर देखो बी के साथ में ना ये वेक्टर फॉर्म लेकर के पॉइंट की, तो आप इसको ये इस तरह का स्थिति सदिश ही है। तो आप यहां लिख दो आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस ओ ए वैक्टर, तो ए का पोजिशन वैक्टर ये था 2i के बाद बाहर माइनस है, आप चाहो तो डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख दो, फिर लिख कर उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लो। एक ही बात है, लंबा ज्यादा हो जाएगा तो यही से साइन चेंज करते हुए लिखेंगे। या माइनस आ रहा ना, या 2i कैप है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा j कैप और ये हो जाएगा माइनस का k कैप। अब आप इसको कैलकुलेट भी कर लो, कैलकुलेट करो देखें, ये i कैप है और माइनस का 2i कैप है तो हो जाएगा माइनस का i कैप। इसी तरह से j कैप देखो आप, माइनस का 3j कैप और प्लस का j कैप तो माइनस का 2j कैप और माइनस का 5k कैप और माइनस का 1k कैप माइनस का 6k कैप हो जाएगा। अब AB वेक्टर तो आ गया मेरे पास, अब इसका चाहिए मुझे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। रूट लगा दें यहां इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसके अलावा यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस वन है, ये माइनस वन का स्क्वायर। इसी तरह से जे कैप में देखो माइनस टू का स्क्वायर और वहां से माइनस सिक्स है, ये माइनस सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ वन का माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ये प्लस का फोर हो जाएगा और ये हमारे पास 36 हो जाएगा। तो रूट का ये 41 आ गया। ये कौन है? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण। इसी तरह से आप उसमें बी सी वेक्टर निकाल दो, तो बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे? वो हेड कौन है? सी है और टेल कौन है? बी है, तो सी का पोजिशन वेक्टर माइनस बी का पोजिशन वेक्टर, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी वेक्टर वो पड़ा मेरे पास में 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 4k कैप माइनस ओ बी वेक्टर है ये रहा, तो भी वेक्टर यहाँ माइनस है तो साइन चेंज करके लिखेंगे इसको ना, बार माइनस होने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 5k कैप। अब यही पर इसकी कैलकुलेशन भी कर लो, ये 3i कैप और माइनस 5 कैप ये हो जाएगा 2i कैप, माइनस का 4j कैप और प्लस का 3j कैप ये कितना हो जाएगा? माइनस का j कैप। इसी तरह से मेरे को माइनस का 4k कैप है और प्लस का 5k कैप है, ओनली प्लस का k कैप। ये मेरे पास क्या आ गया? बीसी वेक्टर आ गया। अब मेरे को इसमें चाहिए सी ए वेक्टर, तो पहले आप इसमें बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। यहीं पर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? रूट लगाओ आई कैप का कोएफिशिएंट 2 1 है तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और के कैप के साथ में क्या 1 लिखा हुआ है तो ये 1 का स्क्वायर 1 है, कितना आया? ये रूट 6 आ गया। अब आप इसमें एसी वेक्टर निकालो या सीए वेक्टर, यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिएगा मेरे को, सीए वेक्टर निकाल लो बोले, तो सीए वेक्टर के लिए क्या करोगे? हेड कौन है इसके अंदर? ए, तो ओ ए वेक्टर, माइनस टेल कौन है? सी, तो माइनस का ओ सी वेक्टर। अब आपको ये पढ़ा देखो, ये ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए का पोजिशन वेक्टर यानी जो पॉइंट होता है उसके साथ में आई जे और के लिखा हुआ होता है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके अंदर, तो मैं लिख लें 2i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप।
अब आपके पास में माइनस ओसी वेक्टर, ये पढ़ा कर लो माइनस थ्री आई कैप माइनस टू, लिखते समय साइन चेंज कर देंगे क्योंकि बाद माइनस है इसके, प्लस का फोर ए कैप, कैलकुलेशन कर लें इसके, टू आई कैप और माइनस का थ्री आई कैप कितना हो जाएगा, ओनली माइनस आई कैप, माइनस जे कैप प्लस का फोर जे कैप ये हो जाएगा प्लस का थ्री जे कैप, इसी तरह से प्लस का के कैप और प्लस का फोर के कैप यानी कि प्लस का फाइव के कैप हो जाएगा। अब यहां पर सी ए वेक्टर है ना, इसका निकाल दो मैग्नीट्यूड, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, यहां पर आई जे कैप थ्री है ना मल्टीप्लाई में, तो थ्री का स्क्वायर कितना हो गया नाइन और ये प्लस का हो गया ट्वेंटी फाइव। अब हमारे पास ये टेन और ये रूट कितना हो गया 35। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल एंड समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस प्रमेय है ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके अंदर दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम करो, सबसे पहले पहले डिसाइड कैसे करेंगे छोटी कौन सी बड़ी कौन सी कंपेयर करो, ये रूट का 41 है, ये रूट का 6 है और रूट का 35 है, इन दोनों के स्क्वायर का सम कर लो आप, यानी कि बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये सी ए वेक्टर है ना इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बी सी वेक्टर का रूट कितना है 6 है, रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ से ये 35 हो जाएगा, तो कितना आया भाई 41। और हमारे पास ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना वो कितना है रूट 41 है, यानी कि ये रूट 41 का स्क्वायर हो गया, मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी का, ये है ना रूट ऑफ 41 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ। तो क्या मिला मेरे को, दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो मतलब पाइथागोरस जो थ्योरम है वो सिद्ध होती है इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज है और आपको यही प्रूफ करना था, समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ये आप लिखते हैं लास्ट में, ये इसका आंसर है। बहुत अच्छी तरह करें इसको, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस स्टेप टू स्टेप चलते रहे, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करें, ये सब आपके सिंपल क्वेश्चन थे, बस ये ध्यान रखना कि ऐड और सबट्रैक्शन जब करते हो ना प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन जल्द से करनी है, थोड़ा पेशेंस के साथ करना है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, अभी तक भी बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक भी करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट।